रीवा में शिक्षित युवा बेरोजगारों की समस्या एवं समाधान पर समयक अभियान कांग्रेस का स्थानीय पद्मधर पार्क में हुआ आयोजन। आपको बता दें कि आज शिक्षित युवा बेरोजगारों की समस्या एवं समाधान पर समयक अभियान कॉन्फ्रेंस का रीवा में आयोजन किया गया। स्थानीय पद्मधर पार्क में आयोजित हुए इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भास्कर राव रोकड़े, पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा, डॉक्टर SS तिवारी सहित मिस्त्री सहित अन्य कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता सहित बेरोजगार युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद अतिथियों ने युवाओं को रोजगार के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया और उन्हें नए नए रोजगार मुहैया कराने की बात कही। इस दौरान मुख्य अतिथि भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि आज युवा वर्ग बेरोजगारी की बड़ी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और ना ही उन्हें रोजगार के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे देश का विकास हो पाना असंभव नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस नेता पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा ने भी भाजपा सरकार की नीतियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। तपती धूप में जब आपने शुरुआत किया था, उसके दूसरे अभियान की भी शुरुआत उनकी कृपा है, उन्होंने पदों पर क्यों ही चुना है, इसलिए उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिन बातों को आपने कहा मैं बैठ करके सुन रहा था, पहले मेरे मन में लगा कि अगर ये कर्मचारियों की सभा होती तो मुझे लगता है कि वो इसको और अधिक अच्छे तरीके से समझते, लेकिन थोड़ी देर में जब मैंने आगे अपने दिमाग को लागू किया, क्योंकि रोकड़े जी को समझने के लिए यंत्रवत दिमाग की जरूरत है। BPO के तहत रजिस्टर्ड कंपनी आउटसोर्सिंग को देने लगी और मेन पावर की सप्लाई का क्रम शुरू हो गया, युवाओं की दलाली शुरू हो गई, यह दलाली शुरू हो गई। इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, मध्य प्रदेश में 70% पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां की जा चुकी है और प्राइवेट कंपनियों में तो 90% तक नियुक्तियां की जा चुकी है। हमने आंकड़े निकाले हैं तो मध्य प्रदेश में 980,000 पदों पर शासकीय क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियों के तहत नियुक्तियां की गई है। तो हमने 1 जनवरी 2024 को यह संकल्प लिया है कि हर हालत में मध्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग प्रणाली से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाना पड़ेगा, और जब ये रोक लगा दे तो क्या होगा, जो 980,000 पद पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की गई है इनके स्थान पर नियमित नियुक्ति करनी पड़ेगी, और इस प्रकार 980,000 और 5,30,000 इस प्रकार 15,10,000 युवाओं के लिए 1 जनवरी 2024 के बाद सम्मानजनक सरकारी नौकरियों का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। युवा साथियों, इसी प्रकार जनवरी 2020 के बाद में 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी जो BR अंबेडकर के टाइम में की गई थी अंग्रेजों के टाइम से 12-14 घंटे को, उसको 12 घंटे कर दिया गया। उसी प्रकार जो श्रम कानून बनाए गए थे अदाधुन छंटनी को रोकने के लिए, उनको हटा दिया गया, अदाधुन छंटनियां शुरू हो गई और उसको रोकने के लिए हम लोग 1 जनवरी 2024 से पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बहाल कराने के साथ साथ श्रम कानूनों को बहाल कराएंगे और सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित कराएंगे। और हमारी जो पांचवी बात यह है कि आरक्षण के बारे में बार बार अलग अलग भ्रांतियां है, उसमें बड़ा लंबाई है, हमारे उद्योग साथी सब चीजों में मिल रहे हैं और आप लोगों के पास जो प्रचारित भी हुआ है, तो आप जातिगत आधार पर जनगणना करा के भले ही आरक्षण कर दीजिए, लेकिन जो पढ़ाई में सबसे आगे है, जो अरकारी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाते हैं, उन्हें हर हालात में एक्सीलेंस कैटेगरी में रखा जाए, उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जाए। तो हमारी इस सम्यक अभियान के तहत विशेष हमारा संकल्प है कि इस प्रदेश में अरकारी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने वाले के लिए 10% एक्सीलेंस कैटेगरी का प्रावधान रखा जाए।